बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, आज किस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 10 सूरह यूनुस के वर्स नंबर 71 से लेकर वर्स नंबर 74 तक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्यूनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट कि अपने आज किसी यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इफ़ वी लुक एट दीज वर्सेस, तो इन आयात में इनर पावर के हवाले से कुछ डिस्कशन की जा रही है। जैसा कि आज आप अगर हमारी मॉडर्न यूथ की स्टडी करते हैं तो हम सब जानते हैं कि हमारे जो गोल्स होते हैं, जो हमारे पर्पस होते हैं, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, या लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हमें अगर कोई फेलियर आ जाता है, कोई चैलेंज आ जाता है, कोई मुश्किल आ जाती है, कहीं पर कोई ट्रबल आ जाती है, तो हम सब जानते हैं कि ऐसी कंडीशन हम फेस नहीं कर पाते। हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम टेंशन ले लेते हैं, हम होपलेस हो जाते हैं, हम ना उम्मीद हो जाते हैं, हमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम अपने ख़ानदान के, हम अपने घर के जब पर्सनल अफेयर्स को देख लें, हम अपने मामलात को देख लें, हम अपने घरेलू मसाइल को देख लें, यानी कि जो भी, चाहे छोटे लेवल के मसाइल हैं या बड़े लेवल के मसाइल हैं, या हम अपने हालात को देख लें, हम इन सब को देखकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, हम होपलेस हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं ना, अगर हम इसके लिए हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखना चाहें तो प्रॉफिट्स की एग्ज़ाम्पल, आई थिंक प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स, जो कि अल्लाह ताला के चोजन पीपल्स हैं, जो अल्लाह ताला के बहुत स्पेशल पीपल हैं और ह्यूमन बीइंग में हायर रैंक पर हैं, हम उनकी लाइफ्स की स्टडी करते हैं तो हमें वहाँ से एक स्किल मिलती है कि वो किस तरह इस प्रेशर को यूटिलाइज़ किया करते थे, वो किस तरह ट्रबल्स में, किस तरह परेशानियों में इन सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया करते थे। आप सब जानते हैं कि जिस तरह यहाँ पर इन आयात में प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करने के लिए अल्लाह ताला यहाँ पर प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम, जो कि एक प्रॉफिट भी थे और एक मैसेंजर भी थे, उनकी लाइफ को यहाँ पर अल्लाह ताला डिस्कस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह आपको पता है कि जब प्रॉफिट नूह एक बहुत बड़ा पर्पस लेकर निकले थे, एक बहुत बड़ा मिशन लेकर निकले थे, जब आप एक बड़ा गोल, एक बड़ा पर्पस, एक बड़ा मिशन लेकर निकलते हैं, एक बहुत बड़े कॉज के तहत निकलते हैं, अगर आपको उस कॉज, आपको उसकी उस कॉज में कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स ना मिले तो आपके क्या सिचुएशन होगी। प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम उस कॉज के लिए निकले और 950 साल उन्होंने इन्वेस्ट किए यहाँ पर, 950 साल अपनी ज़िंदगी के एक बहुत बड़े पर्पस को, अल्लाह ताला के मैसेज के लिए उन्होंने स्पेंड किए 950 साल। अब जब इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हुआ। आप जिस सोसाइटी पर आप वर्क कर रहे थे, जो मैसेज लेकर, जो इतना बड़ा काज लेकर जिस सोसाइटी पर इन्वेस्ट कर रहे थे, वो सोसाइटी ही आपके अगेंस्ट हो गई। यहाँ तक कि उस सोसाइटी ने प्लानिंग करके प्रॉफिट नूह के कत्ल का, उनके मर्डर का भी प्लान कर लिया। अब प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम उनसे टॉक कर रहे हैं, उनसे कंजर्वेट कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे मुकालमा कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं अपनी कौम के लोगों को, अपनी सोसाइटी के लोगों को कि आई एम नॉट डिप्रेस्ड, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं डिप्रेस नहीं हूँ, मैं मायूस नहीं हूँ। तुम मुझे जिस कदर नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो ना, हाँ उसके लिए तुम सारे वेपन्स इकट्ठे कर लो, बल्कि तुम सारे के सारे ट्राइब्स आपस में इकट्ठे हो जाओ, तुम सारी अपनी स्ट्रेंथ इख्तियार कर लो, तुम सारी स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर लो, तुम जदीद वेपन्स भी इस्तेमाल करो, तुम से जो हो सकता है ना तुम पीक लेवल पर जाकर कर लो मेरे कत्ल के लिए, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ, मुझे फियर नहीं है, आई एम नॉट फियर्ड, मुझे फियर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जो बिलीफ है वो अल्लाह ताला पर मजबूत है, मेरा जो ईमान है वो अल्लाह ताला पर मजबूत है, अल्लाह ताला मेरे साथ है, मुझे तुम लोगों का डर नहीं, चाहे तुम जितनी मर्जी प्लानिंग्स करो कत्ल की, मैं डरने वालों में से नहीं।
देखें अब किस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से एक 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 इस काज में जिस वक्त उन्हें एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला किस तरह से यूटिलाइज किया। जस्ट यही एक उनका यूटिलाइज करने का बेस्ट वे था ना कि उनमें जो बिलीफ सिस्टम था अल्लाह ताला पर जो ईमान था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। आपको उससे इनर पावर मिली, आपको स्ट्रेंथ मिली, आपको उससे इनर पावर मिली जो आपकी स्ट्रेंथ बनकर जाहिर हुई। जाहिर सी बात है अल्लाह ताला से जितना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उतनी आपको इनर पावर मिलेगी जो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। अब प्रॉफिट नूह जो थे उनमें किसी किस्म का कोई फियर नहीं क्योंकि अल्लाह ताला पर तवक्कल था, अल्लाह ताला पर ईमान मजबूत था। अब जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम के लोगों को कहा तो इसके बाद जब कौम के लोग आपको झुठला रहे थे तो एज़ यू नाउ दैट कि जब किसी मैसेंजर को झुठलाया जाता है उसका इनकार किया जाता है तो उस कौम को तो तबाह बर्बाद किया जाता है ना। प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो समंदर पे जा रहे थे ना तो प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम और उनके कुछ मुकर्रब उनके कुछ जो करीबी बंदे थे जो उनके बेस्ट कंपेनियंस थे जो आप पर ईमान लेकर आए थे अल्लाह ताला ने उन्हें प्रोटेक्शन दी। अल्लाह ताला ने ये साबित किया देखें कि अल्लाह ताला ने किस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को प्रोटेक्ट किया और बाकी के तमाम लोग जो आपके अगेंस्ट प्रोपागेंडाज कर रहे थे, एजेंडाज बड़े बड़े तैयार कर रहे थे, वो सारे के सारे समुंदर में गर्क होकर तबाह बर्बाद हो जाते हैं, मर जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। और यूँ अल्लाह ताला ने प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम को प्रोटेक्ट किया, आपको तहफ़ुज़ दिया, आपको सिक्योर किया। तो लिहाजा ये प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स की लाइफ जो होती है इनसे ट्रामाज को, डिफ़िकल्टीज़ को, ट्रबल्स को हैंडल करने का तरीका हमें यही नज़र आता है कि वो लोग अल्लाह ताला पर मुकम्मल बिलीफ उनका स्ट्रॉन्ग था। जब अल्लाह ताला पर आपका बिलीफ होता है ना, जब अल्लाह ताला पर आप मुकम्मल तौर पर पुख्ता ईमान लेकर आते हैं तो आप दुनिया की किसी चीज़ से नहीं डरते, चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे आपकी कोई कत्ल की प्लानिंग्स हों, चाहे जो कुछ भी हो, आप में इनर पावर होती है जो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। आप किसी चीज़ से, दुनिया की किसी बला से नहीं डरते, दुनिया की किसी चीज़ से नहीं डरते, क्योंकि आपको पता होता है कि मेरा मालिक मेरे साथ है।